Fastest 5G phone under 20,000. Let's find out guys, Infinix Zero 5G 2023 durability के terms में कितना strong है, क्या ये phone लंबे समय तक आपको fast experience दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। फिलहाल liquid test करने के बाद मैंने काफ़ी देर phone को use किया, सारी चीज़ें properly work कर रही हैं, ऐसा कोई issues आई नहीं। वैसे Infinix के phone का track record अच्छा है when it comes to liquid, आज तक I don't remember like कोई ऐसा phone मेजरली फेल हुआ हो, सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, एज यू कैन सी फोकसिंग भी प्रॉपर है। लेट्स चेक आउट सेल्फी, क्यों सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। एंड आई फॉरगॉट यार कि यहाँ पे अंदर तो देख लें लिक्विड है कि नहीं है। वैसे गैसकेट प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है एंड वाव, बहुत ही कम लिक्विड के ड्रॉप्स हैं, आई थिंक कुछ मार्जिनली 1 या 2 ड्रॉप्स ही गए हैं। कोइंसिडेंटली नाइफ और फोन का जो पैटर्न है क्वाइट सिमिलर है, दोनों में रफ टेक्सचर दिया गया है। यहाँ पे होपफुली वीगन लेदर ही होना चाहिए, जो कि हमने पहले भी कुछ फोन्स में देखे हैं। अंडर 20K में डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। प्लास्टिक फ्रेम एज एक्सपेक्टेड, अंदर ब्लैक पेंट जो अब है दैट मीन्स माइनर कट्स लगने पे यहाँ पे आपको फ़ोन काफ़ी अगली दिख सकता है, सो डेफिनेटली आपको केस यूज़ करना चाहिए जो फ़ोन में प्रोवाइड किया गया है। हाउ अबाउट दिस सिम ट्रे, ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे 2 सिम भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ एक एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे गैसकेट प्रोटेक्शन इसी फ़ोन से मैचिंग होती ना, थोड़ा सा मज़ा ही आ जाता। एक्सीडेंटली बैंड करने में क्या सिम ट्रे टूटता है, होपफुली टूट जाना चाहिए, बट नो, यहाँ पे भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है। ऑन द बेसिक्स यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको मिलनी चाहिए, लाइक दी USB टाइप सी हेडफोन जैक, एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी आपको मिल रहा है, जो कि फ्लैगशिप फोन्स में डेफिनेटली ख़त्म ही हो गया है। वॉल्यूम बटन प्लास्टिक चाहिए बाहर आएगा, नोप, अनलाइक दी रियलमी एंड रेडमी के फ़ोन्स यहाँ पे बटन बड़े ही आसानी से बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फॉर द अनलॉकिंग यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफ़ी फास्ट है, क्या स्क्रैच करने के बाद ये वर्क करेगा, इतना स्क्रैच तो आपका फ़ोन डेफिनेटली नहीं होगा, बट स्टिल एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है। सो फॉर द लॉन्ग टाइम इंटेंशनल एक्सीडेंटल कैसे भी डैमेज होगा, फिर भी अनलॉकिंग में कोई इश्यूज नहीं आने वाली है। लेट्स चेक आउट दी बैक पैनल, यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो ऐसे ऐसे राइज पोजीशन में होते हैं, यहाँ पे डस्ट बहुत सेटल हो जाती है और एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा ऑड होता है, यहाँ पे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये वीगन लेदर है दैट मीन्स ग्लास नहीं है और प्लास्टिक नहीं है, सो माइनर ऑब्जेक्ट्स और एवरीडे ऑब्जेक्ट जो आप कैरी करते हैं, नॉन शार्प ऑब्जेक्ट मोर एग्जैक्टली लाइक कीज एंड कॉइंस, उससे यहाँ पे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। बट यस, अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट इसके कॉन्टेक्ट में आता है, जैसे कि नाइफ फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे डीप कट्स पड़ सकते हैं और विद टाइम जैसे यहाँ पे डस्ट सेटल होगा तो उससे ये आसानी से डैमेज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे पतली सी ऐसे लेयर लगाई गई है जो आसानी से ऐसे बाहर आ सकती है अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कट में आती है, जस्ट लाइक दिस, और इनसाइड कुछ वाइट है, देन इनसाइड कुछ ब्लैक है, सो प्रोबेबली कुछ ऐसे ये कट सकता है। बट फॉर कैजुअल यूज़ ये लास्ट ईयर का 05G 2022 है, यहाँ पे कोई भी ऐसे मेजर माइनर डैमेज नज़र नहीं आ रहे हैं विदाउट केस में यूज़ करते हुए। आई थिंक कुछ फाइन हेयरलाइन स्क्रैचेस हैं, बट अगर ऐसा इंटेंशनल डैमेज करेंगे देन शायद ये ऑलवेज विजिबल होगा। 05G यहाँ पे बाहर से प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर में नहीं प्रिंट था। ज़्यादा मैं यहाँ पे डीप स्क्रैच नहीं करना चाहता, बिकॉज यहाँ पे बैटरी होती है और बैटरी इमीडिएटली पंक्चर हो जाती है शार्प मेटल के कॉन्टैक्ट में आने से, तो 05G शायद यहाँ से भी बाहर आ सकता है। अब यहाँ पे कोई भी कैमरा मॉड्यूल नहीं है, सो ऑफकोर्स यहाँ पे ऐसा कोई स्क्रैच नहीं लगेगा, बट शार्प ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने से शायद स्क्रैच लग सकता है। तो यूज़ केस ऑलवेज, कैमरे लेंस के अराउंड एक ब्लैक पेंट है जो होपफुली प्लास्टिक होना चाहिए, यस, तो यहाँ पे कुछ डैमेज होगा
तो भी वो नज़र नहीं आएगा क्वाइट ईजली, आपको मैक्रो लेंस लेके देखना पड़ेगा। ऑन द डिस्प्ले यहाँ पे आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। एंड अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, यहाँ पे अगर मैं स्क्रैच का पैटर्न देखें तो आपको थोड़ा सा वियर्ड रिजल्ट मिल सकता है। वेल, आपने जनरली देखें जो भी स्टैंडर्ड ग्लास होते हैं, चाहे वो कॉर्डिंग हो या कोई अदर हो, स्क्रैचेस लेवल 6 पे पड़ते हैं और 7 पे पड़ते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रैचेस लेवल 4 से क्वाइट ईजली पड़ जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप बियॉन्ड जाएंगे लेवल 5, 6, 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं, विच मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जैसे कि एल्युमिनियम, निकेल, आयरन, स्टेनलेस स्टील, प्लैटिनम, इन सभी से इस डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। जनरली गाइस ऐसा बहुत रेयर होता है इतनी पुअर क्वालिटी का ग्लास मिलना। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट, लेट्स चेक आउट गाइस एक्सट्रीम हीट और फायर के कॉन्टेक्ट में से ये डिस्प्ले कैसे रिएक्ट करता है। अराउंड 7 to 8 सेकेंड लगे और यहाँ पे पिक्सल्स बर्न होना स्टार्ट हो गया। लेट्स फाइंड आउट क्या ये रिकवर होते हैं कि नहीं होते हैं। कूल, ब्लैक स्पॉट तो चला गया एंड प्रॉब्ली यहाँ पे जो ब्लूस है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है वो भी शायद विद टाइम चला जाएगा। दैट प्रूव्स यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले नहीं है एलसीडी पैनल, बिकॉज एमोलेड में परमानेंट सा बर्न मार्क आ जाता है। बट टाइम थोड़ा सा कम है, 8 सेकेंड है, बट दैट इज़ परफेक्टली ओके। बट एक्सट्रीम हीट के कॉन्टैक्ट में से शायद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट गाइस ये फ़ोन बेंड के टर्म में कितना सॉलिड निकलता है। वैसे इन्फिनिक्स के फ़ोन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बट हू नोस, ट्रैक रिकॉर्ड कभी भी चेंज हो सकता है। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं, बट बिफोर टू दैट फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है। स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करने के बाद एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ओके, फर्स्ट विद द स्क्रीन साइड इन 3, 2, 1। बहुत माइनर सा फ्लैक्स आया है, दैट मीन शायद यहाँ से पिंग पोंग प्ले हो सकता है। यो, फंस गया अंदर। नेवर माइंड, फोन प्रॉपरली वर्किंग है, बट माइनर सा बनाना फ्लैक्स है, कोई एज सच मेजर डैमेज नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स ट्राई टू बेंड फ्रॉम दी बैक साइड, देखते हैं क्या होता है इन 3, 2, 1। बैक साइड से बेंड करने में भी एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, बट फोन में जो फ्लैक्स है वो यूजुअल से थोड़ा सा ज़्यादा है। दैट मीन्स फॉर दी एक्सट्रीम कंडीशन, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बेंड कर देते हैं या फ़ोन इस साइड से ज़्यादा बेंड होता है या प्रॉब्ली या एक्सट्रीम प्रेशर लगता है तो शायद फ़ोन में कुछ मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। सो दैट्स इट फॉर दी 05G 2023 ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ओवरऑल सॉलिड फ़ोन है, थोड़ा सा फ्लैक्स यूजुअल से ज़्यादा है, प्रॉब्ली अब ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो बेंड हो सकता है। रिगार्डिंग द ड्रॉप टेस्ट, एज यू नो, स्टे ट्यून फॉर दी मेगा ड्रॉप टेस्ट। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट, लेट्स। अरे यार, धनिया के बीज धतूरा घिरा पड़ा है तब से, क्या फ़ायदा फ्लैट फ्रेम करने का, साली तुम खड़े नहीं हो यार तुम से। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट, फिर से करते हैं। वहाँ सारी चिड़िया आ गई थी, वहाँ पे सब गड़बड़ा गया था। अबे आग ही बुझ गई थी, क्या नौटंकी है यार। चलो यार फिर से, हर जगह से नीला पड़ता चला जा रहा है, जला जला के। टेक 3 फॉर दी फायर।